इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक कैसा होगा, क्या मैं खाता हूं, एक सेंटेंस तो आपका हो गया क्या मैं खाता हूं। दूसरा सेंटेंस कैसे बन सकता है, दूसरा सेंटेंस बन सकता है मैं क्या खाता हूं। तो ये जो पहला सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं, ये क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ये क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और दूसरा इसको हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, और ये वाक, ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू असेंबली से। डब्ल्यू असेंबली का मतलब होता है ऐसे शब्द जो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू एच ई एन वे, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, डब्ल्यू एच ओ हु, डब्ल्यू एच ए टी वॉट। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो डब्ल्यू एच से नहीं भी स्टार्ट होते हैं बट हम उनको डब्ल्यू एस फैमिली में ले लेते हैं, जैसे हाउ मच, ये देखिए, तो हाउ इसको भी हम डब्ल्यू एस फैमिली में ले लेते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे। जो सेंटेंस क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं या हिंदी के वाक में जब क्या वर्ड पहले आता है, वाक क्या से सब स्टार्ट होता है, तब हम क्या करेंगे, इस क्या की कोई भी मीनिंग नहीं होती है। यहां पर सेंटेंस में इस क्या की कोई भी मीनिंग नहीं होती है, हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को इसकी जगह रखेंगे, यानी कि जो सेंटेंस है उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब हमको हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डायरेक्ट मेन वर्ब होता है, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। एक बार हम फिर से देखेंगे, यहां पर आपको सब्जेक्ट दो तरीके के मिलेंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा, एक प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे बॉय, ही, सी, इट, नेम, इनके लिए हम प्रयोग करेंगे डज का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी डज। दूसरा क्या है, प्लूरल, प्लूरल में सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके आई, यू, वी, दे, बॉयज। प्लूरल के लिए हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का डू, यानी सिंगुलर के लिए डज आएगा और प्लूरल के लिए डू आएगा। अगर बॉय के लिए डज आएगा तो ही के लिए भी आएगा, सी के लिए आएगा, इट के लिए आएगा, नेम के लिए आएगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आई के लिए डू आएगा, यू के लिए डू आएगा, वी के लिए भी डू आएगा और दे के लिए डू आएगा और बॉयज के लिए भी डू आएगा। अब हम देखते हैं इसको हम सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे। अगर जैसा कि हमने पहले बात की है, क्या मैं खाता हूं, कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो इसके लिए क्या की मीनिंग आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब रखना है। आई, आई, मैं, आई, तो आई प्लूरल में है, आई के साथ में डू आएगा, आप सिंपली यहां पर लिखेंगे डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, ये आपका सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस एक बार हम फिर से देखते हैं, इसी तरीके से बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक समझिए। यू, क्या तुम खाते हो, इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है, रूल पूरे वही रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, क्या डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या हम खाते हैं, डू वी ईट, क्या वे खाते हैं, डू दे ईट, क्या लड़के खाते हैं, डू बॉयज ईट,
तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, पूरा रूल एक है, बट आप क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट, क्योंकि सभी सब्जेक्ट प्लूरल के हैं इसीलिए सब में एक ही रूल आएगा और सबके साथ में डू का ही हम प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी इसी तरीके से बनेंगे, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, इसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। क्या वह जाता है, वह ही 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 के साथ क्या आएगा, डज डज ही गो। क्या वह जाती है, डज सी गो। क्या यह जाता है, यह फॉर न्यूट्रल जेंडर, डज इट गो। नाम लेंगे किसी का, डज उमेश गो। तो आपने देखा यहां पर सिर्फ क्या, आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यहां पर सिर्फ आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बट जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब की सब डज ही है, क्योंकि सिंगुलर में हम डज का प्रयोग करते हैं और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पर आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस थे इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो कैसे बदलेंगे, डब्ल्यू असेंबली वाले सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। एक सेंटेंस हम देखते हैं यहां पर, मैं क्या खाता हूं। यहां पर ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है क्या, इसके पहले हमने जो सेंटेंस बनाए थे उनमें क्या पहले था, बट इसमें क्या बीच में है, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड्स होंगे वो बीच में आएंगे। मैं क्या खाता हूं, इसका बनेगा व्हाट हेल्पिंग वर्ब डू। तो व्हाट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई ईट, व्हाट डू आई ईट। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, इसका क्या मतलब होगा, इतने का क्या मतलब होगा, ये देखिए इतने का क्या मतलब होगा। डू आई ईट, इसके पहले हमने पढ़ा था क्या मैं खाता हूं, और ये क्या लिखा हुआ है, मैं क्या खाता हूं। दोनों तरीके के क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल क्लियर करके चलिए। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, व्हाट डू आई ईट। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही, यहां पर सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच फैमिली आ रही है, तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। अब यहां पर मैं कुछ और सेंटेंसेस लिख करके आपको दिखाता हूं, मैं कहां जाता हूं। सबसे पहले आप किसकी इंग्लिश बनाएंगे, वेयर वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो, वेयर डू यू गो, वेयर Do we go? Where do they go? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ में। अब एक बार हम देखते हैं सिंगुलर वाले सब्जेक्ट को हम कैसे बनाएंगे। सिंगुलर वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, वह कहां जाता है, तो वह ही, लेकिन आपको पहले ही मैंने यहां क्यों लिखा, आपको पहचानना है ही डस। ये देखिए बहुत सिंपल है, कहां वेयर, चाहे आप इसको इस तरीके से बना ले, वेयर डस ही गो, या अगर आप थोड़ा सा जब एक्सपर्ट हो जाए तो सीधा सीधा लिखिए वेयर
does he go? अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़िए, सब्जेक्ट को सबसे पहले आप देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर ये वाला रूल अप्लाई होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यहां का रूल अप्लाई करिए। एक बार हम फिर से बना के देखते हैं, क्या वह कहां रहती है, वह कहां रहती है, वह सी। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको कौन सा देखना है, सी। यहां पर देखिए सी, सी के साथ में क्या आएगा, डस, डस आगे लगाइए, उसके आगे वेयर, वेयर डस सी लिव। बहुत आसान, आसानी से आप सीख सकते हैं। और कोशिश ये करिए, आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें आप अपना छोटा सा रिवीजन का नोट बनाइए, रिवीजन नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एंड फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना कंफ्यूजन दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई और सजेशन है कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन लिखिए। एंड प्लीज आप इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। और ये एक सिस्टमैटिक स्टडी मेथड है, इसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।